नमस्कार, आगे बढ़ते हैं और कर्क लग्न श्लोक संख्या 14-15 की बात करते हैं। हम भावार्थ रत्नाकर की बात कर रहे हैं, दशा फल समझ रहे हैं, गोचर फल समझ रहे हैं, अष्टक वर्ग समझ रहे हैं, भावाश्रय फल लग्नानुसार समझ रहे हैं। और जब हम भावार्थ रत्नाकर को साथ में लेकर चलते हैं तो आप फल कथन कैसे कहेंगे, कौन से फल को कहने का क्या अर्थ होगा, किस तरह से हम फल का निर्णय कर पाएंगे कि हाँ यही फल होना चाहिए, इसकी जानकारी सबसे अच्छी आपको यहीं से प्राप्त होगी। लेकिन हम अपने पाठकों में देखते हैं कि इसके प्रति रुचि कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं कर्क लग्न के 14वें और 15वें श्लोक की। तो कहते हैं, कर्की जायमानस्थ लग्नस्थो रवि सौम्यो तु सौख्यगः। अब यहाँ सूर्य बुध और चतुर्थ में शुक्र की बात हो रही है। आगे कहता है, कविर लाभे चंद्र भौम गुरुवः संस्थितः यदि। अब यहाँ चंद्रमा, मंगल और गुरु यदि एकादश स्थान में स्थित हो, ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये स्थिति है पत्रिका की। अब यहाँ अन्य ग्रहों की बात नहीं हो रही, फिर भी 3, 2, 5, 1, 6 ग्रहों की बात जरूर हो गई। आगे कहता है, रविर्दाये तू संप्राप्ते निर्धनम योग मस्नुते। तो ऐसे में सूर्य की दशाओं में निर्धन योग बनेगा, अर्थात निर्धन का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। अब जो ये योग बनेगा, अर्थात ये धन का स्वामी सूर्य है, इसीलिए ऐसा कहा गया है कि रविर्दाये तू संप्राप्ते निर्धन योग मश्नुते। तो ऐसा क्यों कहा गया ये समझना है। और उसके बाद कहता है, इतरेषाम, इसको छोड़ दीजिए, तो इतरेषाम दशा काले योग दास्तु भवन्तु ही। अब इसके बाद जितने भी ग्रह हैं सब अपने दशा और अंतरदशा में अच्छे फल देंगे। इसको बाद में समझेंगे कि सूर्य निर्धनता क्यों देता और कर्क लग्न में, लग्न में ही स्थित होकर निर्धनता क्यों देता। अभी तो हम लोग कहे थे कि लग्न में हो, लग्न से केंद्र में हो, चंद्रमा से केंद्र में हो तो अच्छा परिणाम कहते हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम लोग योगों की बात करते हैं और यहाँ भी सूर्य और बुध, बुध को बहुत जगहों पर, अर्थात हम कहें तो 80-90% जगहों पर सौम्य ही लिखा गया है, तो इसीलिए बुध को सौम्य मान करके चलना भी चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सूर्य के साथ है तो इसके अंदर भी अशुभता होगी। और इस पत्रिका में तीसरे के साथ साथ द्वादश स्थान का स्वामी है, तब द्वादश स्थान के साथ यदि किसी त्रिकोण का स्वामी हो जाता तब तो अच्छी बात हो जाती, लेकिन द्वादश के साथ साथ ये तीसरे का स्वामी है, इसीलिए अशुभ नाथ है और सूर्य के साथ होने से अशुभ भी है। अब आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र देखिए अपने ही राशि का है और शुक्र लाभ का स्वामी होकर केंद्र में है, गुरु यहाँ का स्वामी और भाग्य का स्वामी होकर एकादश, लग्नेश चंद्रमा एकादश, पंचमेश मंगल एकादश। अब ये तीनों ग्रह एकादश हैं तो इन तीनों के कार्यकत्वों की तो वृद्धि होगी ही, साथ ही जहाँ का स्वामित्व रखते हैं वहाँ की भी वृद्धि होगी। तो चंद्रमा लग्न का स्वामित्व रखते हैं तो लग्न की वृद्धि होगी, मंगल दशम और पंचम का स्वामित्व रखते हैं तो कर्म के साथ साथ हमारे पूर्वार्जित कर्म भी अच्छे होंगे, उसका हमको लाभ मिलेगा। गुरु ये दशम से नवम स्थान के स्वामी हैं और लग्न से नवम स्थान के स्वामी, तो कर्म का भी भाग्य अच्छा है और यहाँ हम क्या कहते हैं, भाग्य भी लाभ स्थान में है तो अर्थात हम भाग्यवान भी होंगे, सुखे से सुख स्थान में ही है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इन सभी ग्रहों को हम चेक कर लिया तो ये जो लिखा है, इतरेषाम दशा काले योग दास्तु भवन्तु ही, ये बड़ी अच्छी बात है।
तो सूर्य जबकि धनेश होकर के लग्न में स्थित है, बुध के साथ है, तब यहां ऐसा क्यों कहा गया कि सूर्य की दशा काल में निर्धनता आएगी? अन्य व्याख्याकारों ने भी अपनी व्याख्या की है, यहां हमारी व्याख्या है कि चंद्रमा बुध को मित्र मानता, लेकिन बुध परम शत्रु मानता है चंद्रमा को। मिथुन लग्न होता है तो बुध उसको धन देना चाहता है, और कन्या लग्न होता है तो बुध क्षमा चाहेंगे, मिथुन लग्न होता है तो चंद्रमा धन के स्वामी होते हैं, और कन्या लग्न होता है तो चंद्रमा लाभ के स्वामी होते हैं। लेकिन वही स्थिति जैसे ही कर्क लग्न होता है तो चंद्रमा अशुभ और दुख दोनों के नाथ हो जाते हैं। एक तो नैसर्गिक रूप से बुध ने चंद्रमा को कभी मित्र नहीं, अर्थात सबको मित्र माना, सबको सम माना, लेकिन अकेले चंद्रमा को शत्रु माना। और जब तात्कालिक परिस्थितियां बनती है तो वहां भी देख लीजिए कि ये सबसे अशुभ नाथ कर्क लग्न में यदि कोई बनता है तो वो बुध ही बनता है, अर्थात बुध को जब भी कभी मौका लगेगा तो वो कर्क लग्न वालों की हानि करने में तत्परता दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझ में आया कि ये तीसरे और द्वादश का स्वामी है, नैसर्गिक रूप से चंद्रमा को अपना परम शत्रु मानता है, और तात्कालिक प्रभाव भी ऐसा है कि यहां ये तात्कालिक रूप से भी अशुभ नाथ हो गए। तो इसके साथ सूर्य की युति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। जब हम लोग कहते हैं ना केंद्र के स्वामी के साथ युत है, त्रिकोण के स्वामी के साथ युत है, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि उस स्थान की शुभता, उस स्थान से प्राप्त होने वाले फल जब अच्छे होंगे तो उस ग्रहों में भी अच्छाई होगी, लेकिन जब उनको अशुभ नाथ हो और जो नैसर्गिक में भी शत्रु मानता है वो कैसे चाहेंगे कि हम यहाँ अच्छा फल करें? अब दूसरी बात है कि सूर्य लग्न में है, केंद्र में है, लेकिन अपने स्थान से द्वादश है। तो एक नियम ये भी है ना कि यदि कोई स्वामी अपने स्थान से बारहवें स्थान हो तो उसकी हानि बतानी चाहिए। तो ये रूल तो सूर्य के ऊपर लग ही गया। एक तो यही रूल काफी था कि सूर्य की दशा में हानि बतानी ही पड़ेगी। तो यही कहता है कि रविर्दाये, अर्थात ये सूर्य की बात कर रहे हैं कि सूर्य की दशाओं में हानि होगी, निर्धनता होगी, क्योंकि सूर्य अपने से बारहवें है और तीसरे और द्वादश स्थान अर्थात बेस और तृतीयेश के साथ है, इसकी वजह से भी। और किसी अन्य, न गुरु की दृष्टि, न शुक्र की दृष्टि, ऐसे जो कोई भी लग्न केंद्र किसी के भी न शुभ ग्रहों की दृष्टि, तो और कोई प्रभाव तो आया नहीं जिससे हम और कुछ बात सोचें। तो इसीलिए यहाँ सूर्य धन की हानि बताता है, हम निर्धनता नहीं यहाँ धन की हानि कहते हैं, क्योंकि निर्धनता कैसे होगी, अन्य ग्रहों की दशा अंतरदशा तो इसके लिए बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ कहेंगे वर्तमान युग में यही इसी तरह से व्याख्या होनी चाहिए कि क्या हम इसको निर्धन कह देंगे कि आपके पत्रिका में निर्धन योग हो गया, अब बहुत सारा उपाय कराना होगा? तो निर्धन हो नहीं सकता ये। अब यहाँ निर्धनता कहते हैं ना कि निर्धनम योगम अश्नुते, तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि धन धन की हानि, वही तो निर्धन हो गया। लेकिन निर्धन हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग नहीं करेंगे। और आप लोग देख ही रहे हैं, इतरे शाम दशा काले, अन्य ग्रह न बुध के प्रभाव में है, न सूर्य के प्रभाव में है, न सूर्य बुध किसी अन्य ग्रहों के प्रभाव में है, और गुरु जो भाग्येश है एकादश में है तो भाग्य की वृद्धि और गुरु के कारकत्वों की वृद्धि, लग्नेश जो एकादश में है आपके
वृद्धि और आपके मन की वृद्धि, और मंगल जो पंचमेश है तो आपके विवेक की वृद्धि, आपके पूर्वार्जित कर्म अच्छे होंगे, इसीलिए तो अपने भाव को देख रहे हैं। तो अन्य ग्रहों, अब यहाँ शुक्र अपने ही सुख स्थान का स्वामी, सुख स्थान में हो, ये भाव अपने आप में बलवान हो गया, तो कितना और सारे योग जो भी स्थितियां हैं उससे हमको योग फल प्राप्त होंगे। योगदास्तु भवन्तु ही। लेकिन सूर्य यदि यहाँ, और ये बनता है अक्सर, ये कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि सूर्य के साथ हमेशा बुध रहता है, तो इसीलिए ये तो आपको साधारण रूप से दिखेगा, इसको तो याद रख सकते हैं आप। और कुछ भूल भी जाए तो हम जिस तरह से गणना करके जिस तरह से हम आपको बताते हैं वो तो नहीं भूलेंगे ना। हम उम्मीद करते हैं कि पाठ आपको सरलता से समझ में आता होगा। पाठ से संबंधित कोई भी परेशानी हो जाए, बहुत लोग कहते हैं कि हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, यदि आप हमको परेशान नहीं करेंगे तो आप और अच्छा कैसे सीख पाएंगे, यदि आप हमको परेशान नहीं करेंगे तो शायद हमारे ज्ञान के अनुरूप आपके कुंडली का विश्लेषण कौन करेगा। तो कुंडली विश्लेषण करना हो, एजुकेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, इसीलिए तो संपर्क सूत्र आपके पास दिया गया है। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।